For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रेहान उमर है। मैं माहिर अमराज़ कल्ब और माहिर अमराज़ डायबिटीज हूँ। मैंने FCPS मेडिसिन 2005 में और FCPS कार्डियोलॉजी 2010 में किया। मैं शुरू में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर था। उसके बाद मैंने तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में काम किया कुछ अरसे। उसके बाद मैं 2009 से आज तक यूनाइटेड हॉस्पिटल के साथ अफिलिएटेड हूँ। इस वक्त फैमिली केयर हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। मेरे स्पेशल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट इन्वेसिव कार्डियोलॉजी है, कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसके अंदर हम अमराज कल्ब के साथ साथ उन मरीज़ों का ख़ास तौर पर मुआयना करते हैं जिनको डायबिटीज यानी डायबिटीज़ या साथ में थायराइड की प्रॉब्लम्स हों। ऐसे मरीज़ जिनके साथ दिल के अमराज के साथ साथ पेचीदा मेडिकल की प्रॉब्लम्स चल रही हों और जिनकी जो दिल के मरीज़ जिनकी शरियानों में रुकावट हो उनकी शरियानों को खोलने का काम करते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया यह है कि दुनिया में शरह अमवात दुनिया की सबसे ज़्यादा अमराज कल्ब से होती हैं और उसकी वजह यह है कि दिल की शरियानों में रुकावट, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट का फेल हो जाना और इसके अलावा जो डिफरेंट जो हार्ट के वेल्व्स हैं उनकी तंगियां या उनके जो लीकेज है उसके मसले मसाइल बहुत खुल के सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से शरह अमवात और जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं जो हार्ट डिज़ीज़ के वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। और जिस तरह अच्छा इलाज हो रहा है दिल के मरीज़ों का उसी वजह से उनकी जो जिंदगियां हैं वो और लंबी हो रही हैं। जो जिंदगियां और लंबी हो रही हैं तूल इख्तियार कर रही हैं तो जो हार्ट की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे हार्ट फेलियर हो गया, कार्डियोमायोपैथीज हो गई हैं, वो हम लोग ज़्यादा देखते हैं आजकल। हार्ट अटैक जिसका मतलब होता है दिल की शरियानों में अचानक से शदीद किस्म की रुकावट, 100% रुकावट, जिससे पेशेंट को सीने में शदीद दर्द होता है, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। और उसकी अर्ली अलामत ये होती हैं कि पेशेंट को जो शुरू में चलने फिरने से सीने में दबाव होती महसूस होती थी या दर्द होता था, अब वो बैठे बैठे भी अचानक शुरू हो गया। इसके साथ पेशेंट को दर्द के साथ साथ ये दर्द जो है सीने का ये जबड़ों की तरफ, गर्दन की तरफ या दोनों हाथ की तरफ भी आ सकता है। ये दर्द पूरे सीने में इस तरह इस शिद्दत से फैलता है कि ऐसा लगता है किसी ने पहाड़ रख दिया हो। इस दर्द के साथ पेशेंट को ठंडे पसीने आते हैं, घबराहट होती है, दिल की धड़कन में ठीक ठाक इजाफा या कम हो जाना, ये सारे के सारे जो हैं वो अर्ली साइंस हैं हार्ट अटैक के। ऐसी सूरत में फौरन अस्पताल में रابطہ करना चाहिए। हार्ट अटैक जिस तरह आजकल हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हर तरफ डिफरेंट किस्म के जो डॉक्टर हजरात आके कहते हैं कि हार्ट अटैक को रोकने के लिए अगर हार्ट अटैक आ जाए तो आप इस तरह कीजिए, ऐसे कीजिए, खांसी कीजिए घर में, इससे हमारी मेडिसिन का, कार्डियोलॉजी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अगर हार्ट अटैक पेशेंट को ये अलामत जो मैंने अभी बताई हैं ऐसी ज़ाहिर हो रही हैं तो पहली फुर्सत में जो घर में आप रह के जो आप बचाव की तदबीरें अख्तियार कर सकते हैं उसमें डिस्प्रिन, जो तलवार वाली डिस्प्रिन होती है, वो एक गोली फ़ौरन चबा लें। इसके अलावा क्लोपिडोग्रल नाम की दवाई होती है जो 4 गोलियाँ एक साथ खाई जाती हैं। इसके अलावा पहली फुर्सत में कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द एमरजेंसी टीम, रिस्पॉन्स टीम से रब्ता किया जाए या अपने केयर गिवर को बुला के हस्पताल पहुँचा जाए। एंजाइना बाई डेफिनेशन मीन्स चेस्ट डिस्कम्फर्ट। इसमें आवाम को ये बताना ज़रूरी है कि सिर्फ सीने के दर्द का नाम एंजाइना नहीं है। सीने में कोई भी घबराहट हो, बेचैनी हो और दबाव का एहसास हो या फिर दर्द हो, इस और वो दर्द आ रहा हो किसी एग्जर्शन के बाद, चलने के बाद, दौड़ने के बाद, खुशी की खबर सुन के, गम की खबर सुन के, और जिसको बैठने से आराम आ जाए उसको एंजाइना कहते हैं। अगर एंजाइना पेशेंट को हो रहा है तो ये अगर लंबा नॉर्मल जिसकी ड्यूरेशन होती है वो 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज़्यादा एंजाइना रहता नहीं है। अगर इससे ज़्यादा अगर सीने में पेन हो उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक की तरफ मरीज़ जा रहा है। हमारी जो बरेसगीर हिंदू पाक के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़तरे की अलामत है वो है हार्ट डिजीज़। उसकी वजह शायद यही है कि हमारी जो खुराक है वो इंतहाई गैर मुनासिब है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इंतहाई अनहेल्दी डाइट, जिसमें निशास्ते का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यानी कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जिस तरह के हम फ्राई फूड, फैटी फूड खाते हैं, फैट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस ऑन टॉप ऑफ दैट ये चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद इनको बर्न भी नहीं करते, हम एक्सरसाइज भी नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, खाली पेट चलते नहीं है। 180 मिनट का क्राइटेरिया जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हमें दिया हुआ है उस पर भी हम अमल नहीं करते, जिसकी वजह से ये चर्बी जो है वो शरीरों में जमा होनी शुरू हो जाती है, क्लॉट बनता है, फिर जो क्लॉट फटता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है।
आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा दिल की दवाइयों के हवाले से कि जो पेशेंट हार्ट पेशेंट्स हैं वो अक्सर हमारी क्लिनिक्स में आते हैं जिन्होंने दवाइयाँ या तो छोड़ दी होती हैं या वो दवाइयाँ कभी कभार हसब ज़रूरत इस्तेमाल कर रहे होते हैं या वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो ये मशरक मगरब इस तरह के जो हैं वो हमारे पेशेंट्स हमारे मरीज़ होते हैं हमारे पास, उनको बताने का मकसद ये है कि जो दवाइयाँ आपके काबिल दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई हैं उनका बाकायदा इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। एक दफ़ा अगर आपके ऊपर लेबल लग गया है कि आप हार्ट पेशेंट हैं तो ये जहन में रखिएगा कि दुनिया की कोई दवाई आपके मर्ज को ख़त्म नहीं कर सकती, दवाई से आपका मर्ज कंट्रोल हो सकता है और उसको मज़ीद आप बेहतर बना सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, यानी कि अगर आप अपनी खुराक का ख्याल रखें, अच्छी खुराक खाएँ, पेट भर के खाना मत खाएँ, कम खाएँ, थोड़ा खाएँ, बार बार खाएँ, लेकिन कोई जगह पेट के खाली छोड़ दीजिए। इसके अलावा दवाइयों का वक्त पे इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो खून पतला करने वाली दवा लाजमी तौर पर ज़िंदगी भर इस्तेमाल करेंगे, साथ में चर्बी कम करने वाली दवा जो होती है इसको हमारी ज़बान में स्टैटिन्स कहा जाता है, इसका इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। बाज़ लोगों कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब तो हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है फिर हमें चर्बी कम करने की दवाई क्यों दी गई है, तो उनके लिए जवाब यह है कि चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो भी हो तब भी आपने ये दवाई खानी है क्योंकि ये दवाई आपको मुस्तकबिल के हार्ट अटैक रोकने से बचाती है। तो ये जो दो दवाई हैं खून पतला करने की दवाई यानी कि जो एस्प्रिन और चर्बी वाली दवाई जो चर्बी रोकने की दवाई है स्टैटिन, इसको ज़िंदगी भर खाना है, कभी कम नहीं करना। मैं खालिद बिन वलीद रोड के ऊपर समसम टावर के नीचे फैमिली केयर हॉस्पिटल है वहाँ रोज़ाना शाम को 5 बजे से 7 बजे तक अमराज़ कल्ब का मुआयना करता हूँ और इसके अलावा वो दिल के मरीज़ जिनको साथ में शुगर्स हैं और कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो ये मेरे पास तशरीफ़ ला सकते हैं। थैंक यू। आखिर में जो मरीज़ मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट लेना चाहते हैं या मेरी ओपीडी की टाइमिंग्स पता करके मुझे दिखाना चाहते हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि मरहम.pk पे जाके वो लॉग इन करें और वहाँ से मेरी अपॉइंटमेंट हासिल करें। शुक्रिया।